नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्योतिष ज्योतिष। आप सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं, महिलाएं कुछ ऐसे व्रत करती हैं जिनमें चंद्र दर्शन अनिवार्य होता है। सूर्य उदय से लेकर चंद्र दर्शन तक जितने भी व्रत के कठिन नियम होते हैं उसका पालन करते हुए प्रतीक्षा करती हैं कि चंद्रदेव के दर्शन कब होंगे, कब हम चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करेंगे और उसके पश्चात हम व्रत खोलेंगे। लेकिन परिस्थिति बस कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो, घने बादल हो, तेज बारिश हो रही हो, तो ऐसे में चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाता है, तो हम एक धर्म संकट में फंस जाते हैं कि अब हम क्या करें। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों की फोन कॉल्स आती हैं कि गुरु जी बताएं, मौसम बहुत ज्यादा खराब है और चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें। तो इस पर मैं आज आपको शास्त्र सम्मत सही जानकारी देने वाला हूं कि ऐसी स्थिति यदि बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग भी मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके सामने बन जाए प्रिय दर्शकों, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रीय विधान क्या है। शास्त्रीय विधान है कि आप भगवान भोलेनाथ की जटाओं का दर्शन करके, भगवान भोलेनाथ की जटाओं में जो चंद्रमा विराजमान है इसका दर्शन करके, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके अर्घ प्रदान करके आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक पुराणों में कथा वर्णित है, पुराणों में वर्णन आता है कि प्रजापति राजा दक्ष के 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। प्रजापति राजा दक्ष की जो 27 कन्याएं थी उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, और ये 27 कन्याएं ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र के नाम से जानी जाती है। चंद्रमा के साथ प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह हुआ, तो चंद्रमा का जो आकर्षण था ये 27 में से एक पत्नी की तरफ विशेष था, बहुत ज्यादा था, जिसका नाम था रोहिणी। तो 26 पत्नियां दुखी होकर के चंद्रमा की इस आदत से, और उन्होंने अपने पिता प्रजापति राजा दक्ष को जाकर के शिकायत करी, तो प्रजापति राजा दक्ष को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। ऐसी स्थिति में चंद्रदेव भयभीत होकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को निर्भय होने का आशीष प्रदान कर दिया, वरदान प्रदान कर दिया, और भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में वास दिया, अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, यदि आप कोशिश करें कि चंद्र उदय का जो समय है उसके उपरांत कम से कम एक घंटे तक आप प्रतीक्षा करें, आपको लग रहा है कि मौसम इतना खराब है कि चंद्रमा का दर्शन नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में सबसे सही तरीका यही है कि आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके, उनके जटाओं में जो चंद्रदेव विराजमान है उनका दर्शन करके और अर्घ प्रदान करके आप व्रत खोल सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत है, इसमें आपका व्रत का जो संपूर्ण शुभ फल होगा वह आपको अवश्य प्राप्त होता है। दूसरे और भी तरीके हैं, जैसे यूट्यूब और गूगल पर लाइव चलता है चंद्रदेव का जो दर्शन है, तो वहां पे भी आप दर्शन करके और आप व्रत खोल सकते हैं, या आसमान में किसी भी तारे को देख करके और मानसिक स्मरण करके चंद्रदेव का ध्यान करके और उन्हें अर्घ प्रदान करके आप व्रत खोल सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत है, इसमें आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है, और व्रत का जितना भी संपूर्ण शुभ फल होता है वो आपको अवश्य प्राप्त होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल पर पहले बार जो लोग भी आए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है। तो जो लोग अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी संतान के बारे में, उनके करियर के बारे में कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।